भव्य ये मूर्ति है और निश्चित तौर पर जटायु गिद्धराज जटायु आज भी याद किए जाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके विरुद्ध, उसके बावजूद यहाँ तुलसीदास जी का हमें जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जटायु के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। जब जटायु सीता हरण को रोकने में भले नाकाम हो गए, लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया, और जब घायल अवस्था में थे और जब राम उनसे मिलने पहुंचे तो राम पूरे रामचरितमानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़े ही सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हूं कहूं जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देहू काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव बिना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए इस तरह का आत्मोत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक, सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का वहाँ, और भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी, तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के गोद में था और वो उनके सर को सहला रहे थे और वो अंतिम सांसें। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।